हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 15 बेस्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज चालू है। उसमें ये हमारा आज का 12वां, मतलब एक सीरीज है, 12वीं सीरीज है। तो ये आपकी क्या है, 12वीं क्लास है। और इसमें हम 15 बेस्ट क्वेश्चन आपके शुरू करने वाले हैं। तो इनमें जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो कौन ऐसा शासक है जो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को बोलता था, तैमूर लंग है या नादिर शाह है या फिर चंगेज खां है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या है आपका, चंगेज खां है। ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप बोलता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। बताइए ये आपका स्थल कहाँ पे स्थित है। और ये बहुत ही, मतलब क्या है, आप उसको बोल सकते हैं कि आपका टफ क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग इसमें कहाँ पे ये स्थल है। आप लोग इसमें 100% गलती ही करेंगे अगर आपको पता नहीं है। आप लोग बीजापुर लगा रहे होंगे, कुछ रायचूर लगा रहे होंगे, कुछ बेल्लारी, कुछ आपका गुलबर्गा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो क्या है, ऑप्शन सी है, बेल्लारी इसका सही आंसर है। हम्पी कहाँ पे है, बेल्लारी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी कि विजयनगर जो था उसकी जो वित्तीय व्यवस्था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं उसकी इकोनॉमी का मुख्य सोर्स आपका क्या था। तो वो आपके बंदरगाहों से आमदनी थी, या भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू करता था, या आपका मुद्रा प्रणाली थी, या अधिशेष लगान था। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है, भू राजस्व प्रणाली इसकी क्या थी, मुख्य विशेषता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंकलाब का नारा किसने दिया था। क्या ये नारा चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, भगत सिंह ने दिया। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। ये नारा आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इसने अपना जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया था। तो 1940 में मनाया था, या 1944 में मनाया था, या 1939 में मनाया था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए 1939 में इसने क्या है, अपना मुक्ति दिवस मनाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी मुझको दिख रहा है, और ऑप्शन बी क्या है, जेबी कृपलानी साहब हैं, यही क्या थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, यानी भारत और पाकिस्तान को डिवाइडेशन किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी ने किया था क्या, क्या सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था, या लॉरेंस ने किया था। आपने एक रेखा के बारे में सुना होगा, रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। तो ये आपकी क्या थी, रेडक्लिफ रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती थी उस टाइम पे, और ये सर सीरियल रेडक्लिफ ने इसको डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है कब किया गया। क्या ये आपका 1935 में किया गया, या फिर 1930 में किया गया, या 1940 या 55। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, 1930 से 1930 में उड़ीसा और बिहार अलग अलग हो गए थे, ये आप लोग याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडलर आयोग का संबंध किससे था। तो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको दम लगानी पड़ रही होगी, तब आप कर पा रहे होंगे। शेडलर आयोग का संबंध आपका न्याय से था, शिक्षा से था, पुलिस से था, या राजस्व प्रशासन से था। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका शिक्षा से था, एजुकेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जॉन एडम्स हैं, डलोजी हैं, बेलेजली हैं, हेस्टिंग्स हैं, किसने आपकी प्रेस पर स्वतंत्रता, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। तो वो आपके बेलेजली थे, जिन्होंने प्रेस पर क्या लगा दी थी,
सेंसरशिप कर दी थी। और ऑप्शन आपका क्या था इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो जो हंटर कमेटी थी इसमें आपका किस चीज पे आपका विशेष बल दिया गया था? तो इसमें जो इसका सही आंसर है, सही आंसर आपका क्या है? इसका जो सही आंसर है, मुझे भी इसका सही आंसर आपका सही मतलब नहीं इसका पता है और मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लगाता हूँ, हंटर कमेटी में प्राथमिक शिक्षा को चूज करता हूँ, देखता हूँ इसका सही आंसर क्या निकलता है। मुझे पता नहीं है, अगर आपका मतलब गलत होता है मेरा आंसर तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होने वाली है, देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है मेरा, क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की में एक कील सिद्ध होगा? यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताबूत है उसमें एक कील की तरह सिद्ध होगा जो अगर मुझ पर किसी ने वार किया। तो ये आपका किसने कहा था? भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? तो ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका लाला लाजपत राय ने किया था, कहा था, किया नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका था यहाँ पे? क्या भारतीय कृषक वर्ग था, महिलाएं थी, मजदूर थे? इसमें क्या था? ये दलित लोगों का मामला था और यहाँ पे गांधी जी और आपका अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्रागार धावे को आयोजित किया गया था? तो एक चिटगांव सत्रागार था, तो उसमें आपके किसने मतलब उसको आयोजित किया था? जे एम सेन गुप्त ने किया था, ये बटुकेश्वर दत्त थे, या फिर सूर सेन थे, या फिर लक्ष्मी सहगल थे? तो इसमें जो इसके आयोजक करता थे वो आपके कौन थे? सूर सेन थे। इसका सही ऑप्शन आपका सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे, क्या किसान सभा थे, क्या कम्युनिस्ट पार्टी में थे, या फिर जस्टिस पार्टी? तो ये आपके किस पार्टी में जुड़े थे? ये आपके सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, सामाजिक पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होता है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को कर सकें बेहतर, क्योंकि ये 15-15 क्वेश्चन की ये जो सीरीज है 10-5 मिनट लगते हैं और बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसमें मैं करीब 600-700 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, सबके कराने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।